स्मूथ ग्राफिक्स और अल्ट्रा ग्राफिक्स, कौन से ग्राफिक्स पे ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं? आज की वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को अपनी साइड से बता देने वाला हूं कि कौन से ग्राफिक्स पे ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं। इस वीडियो में हम अल्ट्रा ग्राफिक्स और स्मूथ ग्राफिक्स दोनों को ही ट्राई करेंगे, दोनों पे ही गेम प्ले करके देखेंगे एंड आप लोगों को उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से ग्राफिक्स पे ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके ग्राफिक्स को स्मूथ पे सेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे CS रैंक का मैच स्टार्ट कर लेता हूं। भाई CS रैंक में आपको पता है एनिमीज काफी अच्छे आते हैं, ऊपर से मैं PC पे खेल रहा हूं एंड देखो ये बात रही तो PC प्लेयर्स और मोबाइल प्लेयर्स दोनों के लिए सेम रहने वाली है। PC पे खेलो या मोबाइल पे, वो सेम ही चीज है, ठीक है, क्योंकि फायदा दोनों का, जो भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस रहेंगी स्मूथ ग्राफिक्स और अल्ट्रा ग्राफिक्स की, वो आपको मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूं। तो गाइस देखो, अगर मैं आपको पहले बताना चाहूं तो मैं खुद स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलता हूं एंड स्मूथ ग्राफिक्स पे मुझे ऐसा लगता है कि स्मूथ ग्राफिक्स पे अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं, स्मूथ ग्राफिक्स पे गेम स्मूथ चलती है, FPS अच्छे आते हैं स्मूथ ग्राफिक्स का ही। मुझे लगता है जो बंदे मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको पता होगा कि मैं स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलता हूं, बट भाई आज अल्ट्रा ग्राफिक्स पे भी खेलेंगे एंड उस पे भी देखेंगे कि गेम कैसी चलती है। क्या पता भाई हम लोगों की ये गलत फहमी हो कि हमें लगता है अल्ट्रा ग्राफिक्स पे कम अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं, हो सकता है अल्ट्रा ग्राफिक्स पे इससे भी ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हो, ये हमें आज की वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बाकी आप लोग गाइस कौन से वाले ग्राफिक्स पे खेलते हो, स्मूथ ग्राफिक्स या फिर अल्ट्रा ग्राफिक्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो भाई चलो अभी यहाँ पे किल करने की ट्राई करेंगे। अरे भाई मैं भूल गया था गाइस ये CS रैंक है, मैं भूल गया था दोस्तों कि ये CS रैंक है। ओए यार 101 का हेडशॉट दिया बट, और ओके एक बंदे को हमने यहाँ पे वन टैप मार दिया है, दो बंदों को वन टैप मार दिया है। ओए भाई टीममेट्स क्या कर रहे हैं, इस दो बंदों को यहाँ पे हमने वन टैप मारा बट टीममेट्स पता नहीं भाई किस दुनिया में है यार। ये तो हमारी टीम, चलो हमारा एक किल तो आ गया यार, भाई दूसरा किल भी आ जाए मजा आ जाएगा। रिवाइव तो नहीं हो पाएगा शायद से, यार इस बंदे ने क्या ही तो Mag 7 भरी है सबको। ओके किल क्लियर हो गया हमारा, ये बात अच्छी है। चलो किल आ चुका है तो भाई, बट बैक टू बैक दो वन टैप्स लगे स्मूथ ग्राफिक्स पे, तो भाई वन टैप काफी अच्छे लग रहे हैं स्मूथ ग्राफिक्स पे, बट अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, अभी आगे भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई स्मूथ ग्राफिक्स पे क्या होता है कि टीममेट्स अच्छे आए तो। अरे भाई वुकोंग से निकल, अरे ओके यार ओनली रेड लगना चाहिए था बट नहीं मार पाए, कोई नहीं। ओके गाइज लास्ट राउंड हो सकता है ये मैच का अगर हम लोग जीते तो लेफ्ट में हमारे एक एनिमी है, चलिए एक एनिमी को हमने डाउन कर दिया एंड हम यूज कर रहे हैं डबल XM8। यार लास्ट एक ही बंदा बचा है यार, हमारे टीममेट्स भी खतरनाक ही हैं। अरे यार हेडशॉट नहीं मार पाए हम, कोई नहीं खत्म। ओके तो इसी के साथ हम मैच यहाँ पे विन कर चुके हैं, तो भाई अभी एक और मैच खेलते हैं एंड देखते हैं, इस वाले मैच में हम कुछ ज्यादा देख नहीं पाए। देखो यार एक चीज़ है, मेरे अकॉर्डिंग ना स्मूथ ग्राफिक्स पे गेम बिल्कुल भी लैग नहीं होती एंड हमारे FPS अच्छे आते हैं, तो इससे गेम प्ले अच्छा होता है, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, सामने हमारे प्लेयर आया था बट वो हमारे टीममेट ने मार दिया। भाई ये CS रैंक में भी कैसे एनिमी आ गए भाई। ओके आ जा भाई हमसे ही वन टैप खाई हो, नीचे कहाँ चला गया यार, ऐसे कौन करता है ब्रो। यार किल नहीं ले पाए बट कोई नहीं, दो प्लेयर्स को हमने यहाँ पे वन टैप मारा, तो भाई डेजर्ट ईगल तो मेरे अकॉर्डिंग यार लिटरली नेक्स्ट लेवल चल रही है स्मूथ ग्राफिक्स पे। अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं SMG, क्योंकि SMG भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो अभी SMG हम लोग टेस्ट करने वाले हैं स्मूथ ग्राफिक्स पे, देखेंगे SMG किस लेवल की चलती है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग हेडशॉट तो यार बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं स्मूथ ग्राफिक्स पे। बाकी बात रही, एक ही डिसएडवांटेज है जो कि हम लॉन्ग रेंज में प्लेयर्स को स्पॉट नहीं कर पाते, बट ये बहुत ही माइनर सी डिसएडवांटेज है, अगर आपकी गेमिंग सेंसेस अच्छी हैं तो इससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो गाइज यहाँ पे 2-0 का स्कोर है, अभी थॉम्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई एक बंदे को मार भी दिया यार, अरे हमें ओए क्या ही तो ओनली रेड पड़ा गाइज, एक ही बंदा बचा है गाइज, टीममेट्स ने तो एक ही सेकंड में उड़ा दिए भाई बंदे। एंड गाइज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रहा हूँ, किसी भी टीममेट को मैं जानता नहीं हूँ, मैंने रैंडमली CS रैंक स्टार्ट किया है। अरे एक बंदे को मार दिया, किधर है भाई ये, फुट आ रहा है इसी साइड है। अरे 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 यार पैक हो गया भाई, आजा बाहर मेरी SMG।
ओके हाँ गाइस, हमने ही किल किया यार ब्रो। एसएमजी के जो फर्स्ट वाले हेडशॉट्स लगे ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगे थे भाई, लिटरली मजा आ गया। एसएमजी भी अच्छी चल रही है यार। एंड गाइस देखो, अगर बात की जाए ना, गेम स्मूथ चलती है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है मोबाइल प्लेयर्स के लिए भी। गेम अगर जितनी ज्यादा आपकी गेम स्मूथ चलेगी, जितने ज्यादा अच्छे एफपीएस आएंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छे आपके हेडशॉट्स लगेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर गेम लैग होगी तो यार आप अच्छे हेडशॉट्स मार ही नहीं पाओगे। ये मोबाइल प्लेयर्स एंड पीसी प्लेयर दोनों के लिए ही सेम चीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई स्मूथ ग्राफिक्स अच्छे हैं, बट अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्ट्रा ग्राफिक्स पे अभी खेलना बाकी है। तो अल्ट्रा ग्राफिक्स पे भी खेलेंगे, उसके बाद ही हम कंक्लूजन निकालेंगे। ओके यहाँ पे एक प्लेयर को हमने डाउन कर लिया है यार। भाई टीममेट्स खतरनाक ही हैं, बट भाई स्मूथ ग्राफिक्स को चलो हमने टेस्ट तो कर लिया भाई। इस पे काफी अच्छी गेम चल रही है, हमने 2 मैचेस बैक टू बैक विन कर लिए विदाउट एनी इशू। तो एंड दोनों मैचेस में हम ही एमवीपी बने हैं, तो काफी बढ़िया यार। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स पे, एंड देखते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स पे कैसे हेडशॉट्स लगते हैं। तो स्मूथ ग्राफिक्स पे तो काफी खतरनाक हेडशॉट्स लग रहे थे, तो अभी अल्ट्रा ग्राफिक्स को भी ट्राई करते हैं भाई। क्या पता हमारी गलत फहमी हो कि स्मूथ ग्राफिक्स पे ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं, हो सकता है अल्ट्रा ग्राफिक्स पे इससे भी अच्छे हेडशॉट्स लगते हो। तो ये भी हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं। तो G18 लेकर आ चुका हूँ। ओके सामने एक बंदा आया। अरे भाई हमारी एचपी काफी ज्यादा जा चुकी है, हील करना पड़ेगा। अरे नेडर भाई साहब, हमारी टीम में तो नेडर आ चुका है। दोनों प्लेयर्स को एक एक हेडशॉट दिया यार हमने, बट ओनली रेड नहीं मार पाए यार। ओके यार, हमने काफी सारे हेडशॉट्स तो दिए हैं, बट क्या ही करें यार। अरे चलो भाई, वो भी खत्म है। हमारे पास मेडिकिट नहीं है दोस्तों। ओके गाइस, तो काफी सारा डैमेज दिया होगा हमने इस वाले राउंड में। 644 का डैमेज दिया, एंड हमारी टीम में एक बंदे ने 2 किल किए। तो भाई काफी अच्छे तरीके से फर्स्ट राउंड हमने यहाँ पे विन कर लिया। अच्छे हेड लग रहे थे, मतलब ओनली रेड वाला फील नहीं आया, बट हाँ ठीक लग रहे थे हेड शॉट। अभी हम लोग डेजर्ट ईगल को भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं 1 टैप कैसे लगते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स पे। एंड यार हाँ, ये बात तो है कि कभी हो सकता है वो हम खुद से भी नहीं हेड लगते यार, हो सकता है वहां पे हेड लग सकता हो बट हम ड्रैग करने में ही गलती कर दें, उस वजह से हेड शॉट स्किप हो जाए, ये अलग बात है। बट मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बता देने वाला हूँ लास्ट में, इस मैच को भी खेलने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन से वाले ग्राफिक्स अच्छे हैं, एंड कंक्लूजन आपको दे दूंगा मैं इस मैच के बाद। ओके अरे भाई हमारा टीम में डाउन हो गया, कोई बात नहीं, इसको रिवाइव कीजिए। ब्रिज पे एक एनिमी जा रहा है, उस पर रश करने की सोच रहा हूँ मैं, वो भी डेजर्ट ईगल लेके। ओके भाई यार, हेड ही नहीं मार पा रहे थे हम। ओके पीछे से एक और बंदा आ रहा है, मेडिकेट लग जा। अरे यार ये तो खतरनाक बंदा है भाई। अरे इधर कब आया बंदा भाई, लिटरली इस वाले बंदे का मुझे पता ही नहीं चला। ओके कोई बात नहीं गाइस, हम एक ही प्लेयर को मार पाए, उसको भी प्रॉपरली 1 टैप नहीं मार पाए तो, बट अच्छा लगा, ड्रैग शॉट था जो भी था ठीक था। अरे 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 क्या नेड कर रहा है भाई, क्लियर हो जा इसके हम इस। अरे AWM वाला बंदा भाई, क्या खतरनाक तरीके से मार रहा है। ओके भाई इधर से, अरे आर पार मार रहा है क्या भाई ये। लास्ट एक एनिमी बचा है, इसको 1 टैप मारने की ट्राई करते हैं दोस्तों, 1 टैप। अरे 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 1 टैप मारने की ट्राई करनी थी यार, हमने खा लिया यार। बचा ले भाई बचा ले, बच जाऊंगा बच जाऊंगा। चलिए गाइस हम यहाँ पे बच तो चुके हैं। ओए भाई हमारी एचपी नहीं थी, बट क्या ही तो क्या ही तो 1 टैप मारा यार, लेट्स गो। एंड इसी के साथ हमें UMP भी मिल चुकी है। तो अभी भाई फाइनली यहाँ पे UMP आ चुकी है, तो हम UMP को ट्राई करेंगे एंड UMP देखेंगे कैसी चलेगी। अरे पैराफल भी रख लेते हैं यार। चलो गाइज अभी UMP देखते हैं किस लेवल की चलती है अल्ट्रा ग्राफिक्स पे। एंड इस मैच के बाद गाइज हमारा कंक्लूजन हम बता दूंगा मैं अपना कंक्लूजन, मेरे अकॉर्डिंग कौन से ग्राफिक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे जिसपे आपके अच्छे हेड शॉट्स लगेंगे। ओके तो चलिए गाइज अभी अल्ट्रा ग्राफिक्स पे।
यूएमपी ट्राई करेंगे, देखते हैं अगर सिचुएशन आई यूएमपी चलाने की। यार वन टैप नहीं मार पाए हम। ओके ऊपर जाएंगे। ओ भाई यूएमपी, यार यूएमपी तो आपको पता ही होगा, वैसे ही आपका भाई खतरनाक चलाता है। चलिए दो बंदे यहाँ पे डाउन है, अरे एक ही बंदा बचा है यार, क्या मैडी मारनी, छोड़ो। अरे 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 क्या मतलब, मैडी कर लेनी चाहिए थी हमें। रश करेंगे गाइस एंड देखेंगे क्या होगा। अरे बॉडी, छी भाई बॉडी पे मार गया था यार। शिट भाई, देखो इसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है भाई, मैंने क्या ही तो कर दिया था भाई, मतलब एम स्टक हो गया था बॉडी पे ही। कोई नहीं, तो 2-1 का स्कोर हो चुका है भाई। अल्ट्रा ग्राफिक्स पे भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से खेल पा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। वन टैप की बात की जाए, यूएमपी एसएमजी सब कुछ ही अच्छा चल रहा है यार। एंड रैंडम टीममेट्स के साथ हम सीएस रैंक के मैचेस जीत रहे हैं भाई, तो सही है। एक मैच हारे बट लास्ट वाला मैच क्यों हारे वो भी आपको बताया क्या सीन था उसमें। तो चलो भाई 2 राउंड और 4-1 से इस मैच को ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी दोस्तों। नेडर भाई, नेडर आ चुका है गाइस सामने, पैराफुल चला के देखेंगे गाइस। ओए 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 ये क्या है भाई, सामने 4 बंदे, अरे दोनों को हेड है भाई। मेरे टीममेट्स कहाँ हैं, हेल्प मी ब्रो हेल्प मी। अरे गाइस क्या ही तो हेड मारे थे यार हमने, एक बंदे को नॉक किया और एक बंदा एक गोली का था। अरे भाई क्लियर करने आ रहा है यार। ओए गोजो भाई ओपी, गोजो भाई सेव मी ब्रो, गोजो भाई बचा लीजिए मुझे गोजो। ओए एक ही बंदा बचा यार, जीत गए यार हम तो। चलो भाई अच्छी बात है, वरना मुझे बहुत ही ऐसा बुरा लगता है यार कि इतना अच्छा मारा था हमने बट स्टिल हार गए। गाइज अभी दोनों ग्राफिक्स पे अच्छे हेड शॉट्स लग रहे थे, स्मूथ एंड अल्ट्रा, बट कोई नहीं, मैच हार जीत होती रहती है। अभी हमें कंक्लूजन निकालना है कि कौन से वाले ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे हैं। देखो हेडशॉट दोनों पे अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ पे भी अल्ट्रा पे भी। मेन चीज़ है जिनका लो एंड डिवाइस रहता है, लो एंड पीसी होता है या फिर लो एंड मोबाइल होता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आपका मोबाइल लैग होता है अल्ट्रा पे, आपका जो डिवाइस है वो लैग हो सकता है, आपके FPS कम आ सकते हैं। तो अगर आपका डिवाइस लैग होगा तो आपके हेडशॉट्स भी कम लगेंगे यार। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिवाइस लैग होगा तो आप हेड मार ही नहीं पाओगे, मतलब उतने हेड नहीं लगेंगे और गेम भी स्मूथ नहीं चलेगी। तो गेम जितनी ज़्यादा स्मूथ चलेगी उतने ही अच्छे हेडशॉट्स लगेंगे, एंड गेम ज़्यादा स्मूथ चलती है स्मूथ ग्राफिक्स पे। तो मेरे अकॉर्डिंग यार अल्ट्रा ग्राफिक्स एंड स्मूथ ग्राफिक्स में से जिसपे ज़्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं वो हैं स्मूथ ग्राफिक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलना चाहिए। एंड एक बोनस टिप देना चाहूँगा, आपको अपने जो भी यहाँ पे कॉस्ट्यूम, यहाँ पे डाउनलोड सेंटर में जाके इधर से अपने कलेक्शन वगैरह को डिलीट कर देना, अपने आउटफिट्स को डिलीट कर देना है, सबको डिलीट करके रखो तो आपकी गेम और भी स्मूथ चलेगी। और जो आप कपड़े पहनते हो बस उनको डाउनलोड कर लिया करो, बाकी सब बंदे आपको बॉट लगेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप उनको रश कर करके मार दोगे यार। तो आउटफिट्स वगैरह को डिलीट मार दिया करो, कॉस्ट्यूम एक्सपेंशन को डिलीट कर दिया करो, गेम और भी स्मूथ चलेगी और हेडशॉट और भी अच्छे लगेंगे। बाकी बात करें तो गाइज देखो हमारी वीडियो का जो कंक्लूजन था वो यही है कि स्मूथ ग्राफिक्स पे ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं। बाकी आप इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।